Rahim. Under the course of trends and issues in early childhood education, today we are going to see inherent dangers in the practice of testing. Until we fulfill all the protocols of assessment, it may have some dangers or threats. Uh, so, first of all, that is human error. Test administration, as well as scores themselves, are subject to both human and environmental error factors. देखिए अगर हम असेसमेंट के सारे प्रोटोकॉल पूरे नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई गलती हो जाए जिसको हम ह्यूमन एरर कहेंगे आ, ये इस तरह से भी हो सकता है कि टेस्ट बनाने में कोई गलती हो गई या टेस्ट एडमिनिस्टर करने में कोई गलती हो गई या ऐसा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से बच्चे ठीक से परफॉर्म नहीं कर सके और हमने समझा कि हमारे टेस्ट पे उनके इतने ही स्कोर हैं तो ह्यूमन एरर की बहुत सी ऐसी शक्लें हैं अगर टीचर्स या जो असेसमेंट टूल्स बना रहे हैं वो अन हैं वो उसके असूलों को नहीं जानते या उसूलों को फॉलो नहीं कर सकते जब टेस्ट बनता है तो इसका मतलब है कि हम बहुत से एरर्स को दावत दे रहे हैं तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं होंगे नेक्स्ट इज टेस्ट स्कोर्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखिए जो कुछ हम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत सा इन्वायरमेंट भी इंफ्लेंस uh, कर रहा है फॉर एग्जांपल अगर बच्चा किसी पीयर प्रेशर में है बच्चा टीचर के प्रेशर में है या बहुत ज़्यादा हॉट है सर्दी है गर्मी है या शोर हो रहा है इर्द गिद तो और या और कोई एक्टिविटीज चल रही हैं इर्द गिर्द तो आपको पता है छोटे बच्चे बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो अपने टेस्ट पे उतनी तवज्जो ही नहीं दे पा रहे होंगे दूसरा जैसे हमने कहा कि वो एनवायरनमेंट सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये भी एनवायरनमेंट है कि उसको टेस्ट किस हालत में दिया जाता है Uh, क्या वो उसको समझ पाता है या नहीं समझ पाता उसकी इंस्ट्रक्शनल जो है uh, हदायात तो है वो हमने क्लियरली उसको दे दी हैं उसको अच्छे से समझा दिया है कि उसे क्या करना है अगर ये चीज़ें उसकी समझ में नहीं आएंगी तो टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता फिर ये है कि टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन चिल्ड्रन मे इंटरप्रेट टेस्ट इंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट आइटम ऑर्डर देखिए हम जैसे मैंने अर्ज किया बच्चों के साथ अभी लैंग्वेज बैरियर उसी तरह से है जैसे उन लोगों के लिए जो किसी ज़बान को नहीं जानते क्योंकि उनकी वोकेबलरी अभी लिमिटेड है और वो सिर्फ़ वो अल्फाज जानते हैं जो अब तक वो बोलते हैं या अपने एटमोसफियर में सुनते हैं हो सकता है टेस्ट की लैंग्वेज इस तरह की हो कि वो उसको समझ ना पाए बाज़ात ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें कॉलम्स में देते हैं या रोज़ में देते हैं बच्चे को करने के लिए कि इस सवाल के बाद आप ये सवाल करेंगे फिर उसके साथ कोई फिगर है या इस तरह की चीज़ें हैं और बच्चा ये नहीं समझ पाया कि उसको रोज़ में जाना है या उसको कॉलम में काम करना है या उसको तस्वीर को भी कंसिडर करना है टैक्स के साथ या टैक्स का असल मतलब क्या है तो इम्प्लीमेंटेशन के बहुत से मसाइल हो सकते हैं और अगर आप इंस्ट्रक्शन क्लियरली भी दे रहे होंगे तब भी कुछ बच्चे समझ पाते हैं और कुछ बच्चे उसको समझ नहीं पाते तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे ऑथेंटिक रिजल्ट को अब अगर यही रिजल्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों के लिए एक्चुअल जजमेंट करने को कि इनको प्लेस कहाँ करना है या इनको ग्रेड कौन सा देना है या इनको जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमने बच्चे को ग्रुपिंग कौन सी करनी है तो यकीन वो गलत हो सकता है सो फॉर्मल असमेंट के ऐसे बहुत से मसाइल हैं जैसे हम समझते हैं कि फॉर्मल असमेंट मायरस सेल्डम इनफॉर्म अस अबाउट अबाउट रेट्स ऑफ लर्निंग मोड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्निंग और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या क्या खूबियाँ या खामियाँ हैं हमें यह तो पता चल रहा है कि बच्चे टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्या समटाइम्स आपने देखा होगा मैथ प्रॉब्लम जब बच्चे के सामने लाया जाता है तो वो कभी तो उसको अपने जहन के अंदर उसको कैलकुलेट कर लेता है कुछ बच्चे उंगलियों पर गिन रहे होते हैं कुछ बच्चे मुख्तलफ तरह की अपनी एक लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं या वर्ड्स को जंबल अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे रिजल्ट निकाले जाने फिर ये कि कुछ ऑडिबली ज़्यादा यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है उसको अच्छे से समझ पाते हैं कुछ लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं तो हर किसी का लर्निंग स्टाइल भी अलग है और लर्निंग रेट भी यानी कुछ लोग थोड़ा स्लो समझते हैं वो इसलिए कि उनकी तवज्जो नहीं होती वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते कुछ बच्चे आपने देखा होगा बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट टर्म अटेंशन होती है उनकी कुछ तवज्जो से सुनते हैं वो जल्दी सुन पाते हैं तो इतने ज्यादा जब फर्क होंगे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो हम एक फॉर्मल असेसमेंट जो आप सबको पता है कि वो पूरे जो आपका ग्रुप है जो एक लार्जर ग्रुप है उसके लिए बनी होती है और सबके लिए एक जैसी चीजें हैं अब जब बच्चे एक जैसे हैं ही नहीं तो वो एक जैसा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे भी मसला है देन टेस्ट डू नॉट परमिट अ डाइवर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पाथ जैसे हमने अर्ज किया हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया लेकिन बच्चे उस प्रॉब्लम तक पहुँचे कैसे हैं कौन सा वाया इस्तेमाल किया है लॉजिक का किया है नंबरिंग का किया है स्टोरी को समझा है इंस्ट्रक्शन को समझा है पेपर को समझा है पेपर के अंदर क्या चीज़ें हैं कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं ये सारी बातें हमें बिल्कुल भी असेसमेंट नहीं बताती हम तो सिर्फ उसको देख के स्कोर कर सकते हैं कि सवाल ठीक था या गलत था देन व्यूइंग असेसमेंट एंड वेल्यूएशन एज सेपरेट फ्रॉम करिकुलम एक बहुत बड़ा मसला या डिसएडवांटेज हमें असेसमेंट का ये है कि हमने पेपर जो कि नॉर्मली जैसे हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर वो स्टैंडर्डाइज पेपर हैं और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं तो उनका करिकुलम से कोई ताल्लुक़ नहीं करिकुलम आपको पता है जैसे हमने बताता बताया कि ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे लिए अरेंज करता है अब बच्चों ने क्लास में क्या किया टीचर ने उनको कैसे पढ़ाया कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई किन चीज़ों पे फोकस किया कौन से कॉन्सेप्ट वो सीख चुके हैं कौन से अभी उन्हें नहीं पता या कौन सी चीज़ें उन्होंने बेहतर सीखी हैं जबकि कहीं अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट की जो इम्प्रूवमेंट की कसर है तो बात सिर्फ ये है कि हम ये नहीं जानते हमारा स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है वो बिल्कुल मुख्तलफ होता है करिकुलम से तो इसका मतलब ये है कि अब वो बच्चे अपनी सोच से करेंगे और जो करिकुलम पढ़ाया गया है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं तो बहुत ज़रूरी ये है कि करिकुलम को और आपकी असेसमेंट को अलाइन किया जाए जो कुछ बच्चे क्लासरूम में सीख रहे हैं वही उनसे दोबारा पूछा जाएगा ना कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट उनको दिया जाए जिसकी मदद से वो वो चीजें कर सकता है कर पाएं या ना कर पाए जो हमने उनको करिकुलम में करवाई ही नहीं तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि आया जो करिकुलम आपने कई दफ़ा देखा होगा एक्सटर्नल एग्जाम को स्टूडेंट्स uh, कह रहे होते हैं बड़े स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि जी ये तो हमने पढ़ा नहीं था और ये हमारे एग्जाम में आ गया तो बच्चों के साथ तो ये हो सकता है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वो क्लासरूम में भी फोकस नहीं कर पाते और अगर वो जानते ही नहीं उनके बारे में समझते ही नहीं तो टेस्ट को कैसे वो सॉल्व करेंगे सो हमें क्या चाहिए हमें अपनी असेसमेंट में और करिकुलम में एक अच्छी सी अलाइनमेंट करनी है ताकि हम इस चीज से बच सके